बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी, तैमूर अकेडमी डॉट कॉम की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को न्यू फेसबुक मोनेटाइजेशन की अपडेट के बारे में बताऊंगा कि फेसबुक वालों ने न्यू अपडेट क्या निकाली है। अब आपको अगर अपना पेज मोनेटाइज करवाना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और कितना वॉच टाइम चाहिए होगा, कितने व्यूज़ और क्या क्या, पूरी डिटेल बताता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब किए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन की। तो आपको पता होगा कि फेसबुक से आजकल बहुत ज़्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं और फेसबुक से बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है। फेसबुक का एक प्लस पॉइंट जो ये है यूट्यूब से कि वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता आप लोगों की मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाती है तो आप लोगों को वहाँ पे जितने आपके पैसे बने होते हैं $100 प्लस, वो आपको मिल जाते हैं। ये सबसे अच्छा पॉइंट है और वहाँ पर फिलहाल कॉपी पेस्ट भी काम चल रहे हैं। लेकिन पहले आप लोगों को पता था अगर आप लोगों ने अपना फेसबुक का पेज मोनेटाइज करवाना होता था तो उसके लिए 10,000 फॉलोअर और 30,000 वन मिनट वॉच टाइम जो है वो चाहिए होता था। लेकिन कल ही फेसबुक वालों ने अपडेट किया है कि अब आप लोगों को 10,000 फॉलोअर चाहिए होंगे, उसके बाद 6,00,000 व्यूज़ चाहिए होंगे और 5 एक्टिव वीडियोज़ आपको अपने पेज पर चाहिए होंगी। पहले तो लोग इस तरह करते थे, पैनल से वॉच टाइम ले लेते थे, एड्स लगा के ले लेते थे, शेयरिंग करके ये वो। तो अब फेसबुक वालों ने साथ में ये भी कहा है कि अगर आप लोग अपनी वीडियो को बूस्ट करेंगे उसका वॉच टाइम नहीं काउंट होगा या व्यूज़ नहीं काउंट होंगे, उसके बाद आप क्रॉस पोस्ट करेंगे किसी दूसरे पेज पे तो वो काउंट नहीं होगा, और उसके बाद अगर आप लोग पेड बाय करते हैं तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये मुश्किल है, लेकिन एक आसानी ये भी है कि अब अगर आपकी वीडियो को कोई 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए भी देखता है तो वो आपका व्यू जो है वो काउंट हो जाएगा। तो 60 डेज़ में 6,00,000 व्यूज़ तकरीबन आप चाहिए होंगे तब आप अपना फेसबुक का पेज जो है उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं। ये न्यू पॉलिसी है फेसबुक की। अगर आप लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो आप लोगों को किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं। अगर न्यू है पेज आप मोनेटाइज करवाना चाहते हैं या करने लगे थे तो अब ये तमाम चीज़ें आपने रियल तरीके से पूरी करनी होगी, तब ही आपके फेसबुक की पेज की मोनेटाइजेशन ऑन होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।